तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास रेड गियर की तरफ से आने वाला एक और बहुत ही बढ़िया सा वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर। और इस गेम पैड को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो और लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी, अपने पीसी या फिर अपने मोबाइल फोन के साथ में भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस रेड गियर वायरलेस गेम पैड की और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस, वायरलेस रेंज और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है हमारा ये रेड गियर वायरलेस गेम कंट्रोलर और सामने की तरफ इसके मॉडल नंबर को जो है वो मेंशन किया गया है। और बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर मेंशन की गई है इसकी एमआरपी। तो एमआरपी तो है यहाँ पर 2499, पर आप इसे अमेजोन से 1500 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा ये रेड गियर का फ्लैश एक्स वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर। और फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी जो डिज़ाइन और लुक्स है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अभी के लिए हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है इस वायरलेस गेम पैड को कनेक्ट करने के लिए एक USB नैनो रिसीवर। फिर आती है इस गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB केबल, जिसे आप अपने किसी भी फ़ोन के अडेप्टर में लगाकर अपने गेम पैड को चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है गेम पैड को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर CD। और बॉक्स में आखिरी में देखने को हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस गेम पैड को कनेक्ट करने की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है इसके बॉक्स में। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने वायरलेस गेम पैड की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेड गियर वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर और बाकी रेड गियर के वायरलेस गेम पैड की तरह ही इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। सामने की तरफ आपको रेड गियर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और गेम पैड को ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहां पर इसके होम बटन पर टैप करना है। और गेम पैड ऑन होने पर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, आपको इन बटन पर लाइट भी देखने को मिल जाती है। आपको इसके होम बटन पर भी लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि कनेक्टिविटी के बाद स्टेबल हो जाएगी। गेम पैड में पीछे की तरफ यहाँ पर इसके मॉडल नंबर को जो है वो मेंशन किया गया है। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है इस गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट, जहाँ पर आप अपनी कोई भी माइक्रो USB केबल को लगाकर इस गेम पैड को इजीली चार्ज कर सकते हो। और उसके अलावा इस गेम पैड पर मिलने वाले बटन्स की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो आपको यहाँ पर सभी बटन जो है वो प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं। और ये तो इसकी कीज़ को मैं अपने रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड के साथ में कंपेयर करूँ तो यार डेफिनेटली आपको रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड पर ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में कीज़ मिल जाती हैं। इसकी जॉयस्टिक की कीज़ भी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी हमें रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड में देखने को मिली थी। उसके अलावा इस गेम पैड पर हमें साइड में रबराइज ग्रिपिंग भी देखने को नहीं मिलती। वैसे ये गेम पैड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और जब आप इस गेम पैड को होल्ड करोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर दिए गए ये ट्रिगर्स काफ़ी ब्रॉड है और इनका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो आप इस वायरलेस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड TV, अपने स्मार्ट एंड्रॉइड बॉक्स, PC या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अब हम कनेक्ट करते हैं इस वायरलेस गेम पैड को अपने मी बॉक्स के साथ में। ये वायरलेस गेम पैड आता है इस USB नैनो रिसीवर के साथ में, जिसे हमें अपने मी बॉक्स के USB पोर्ट पर कनेक्ट करना है। और उसके बाद पेयरिंग के लिए आपको सिंपली बस इस होम की पर टैप करना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके मी बॉक्स या आपके स्मार्ट एंड्रॉइड TV के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो गेम पैड हमारा सक्सेसफुली मी बॉक्स के साथ में पेयर हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर प्ले करेंगे एसफॉल्ट 8 गेम को। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये गेम पैड हमारा मी बॉक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और जिस तरह से मैंने इस गेम पैड को अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट किया है, सेम उसी तरह से आप इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड TV या फिर अपने कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। इस गेम पैड पर भी आपको जो डिले है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती और बटन्स भी इस गेम पैड के काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस गेम पैड को कनेक्ट करते हैं अपने PC के साथ में। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपना विंडोज़ 10 कंप्यूटर। वैसे आप इस गेम पैड को अपने किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर के साथ में पेयर कर सकते हो। तो इस गेम पैड को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसके साथ में आए हुए इस USB रिसीवर को अपने PC पर कनेक्ट कर देना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके PC के साथ में पेयर हो जाएगा। और पेयरिंग के बाद गेम पैड पर लाइट भी स्टेबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम जल्दी से यहाँ पर एक गेम को प्ले करके देखते हैं। मैं यहाँ पर प्ले करूँगा एसफॉल्ट 9 गेम को।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे ये वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर पीसी के साथ में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। जिस तरह से इस गेम पैड ने हमारे स्मार्ट टीवी पर रिस्पॉन्स किया था, उसी तरह से यहाँ पर ये पीसी पर भी काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। वैसे आप इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक यूएसबी ओटीटी एडाप्टर परचेज करना पड़ेगा। अब इस गेम पैड के बैटरी बैकअप की तो हम बात करें, तो आपको इस गेम पैड पर लगभग 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एक घंटे में ये गेम पैड फुल्ली चार्ज हो जाता है और इसकी वायरलेस रेंज को भी मैंने टेस्ट किया था, वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि इस 1500 रुपये की प्राइस रेंज में अमेज़ॉन पर आपको और भी कई सारे वायरलेस गेम पैड्स मिल जाएंगे और 1600 रुपये की प्राइस में आपको रेड गियर का ही प्रो वायरलेस गेम पैड मिल जाएगा। और यही तो आप दिन में ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हो, फिर तो आप रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड की तरफ ही जाइएगा। और यही तो आप कैजुअल सी गेमिंग के लिए एक गेम पैड ढूंढ रहे हो, फिर तो आप डेफिनेटली इस गेम पैड की तरफ जा सकते हो। क्योंकि एक तो ये गेम पैड काफ़ी लाइट वेट है, दूसरा इस पर बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और तीसरा बाकी रेड गियर के वायरलेस गेम पैड्स की तरह ही इस पर भी आपको वायरलेस रेंज जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। हालांकि इस गेम पैड पर मिलने वाली कीज़ की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन यार ये कैजुअल गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।